दोस्तों, प्राचीन काल में जब इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब यात्रा के लिए सिर्फ जानवरों का। फिर जैसे जैसे समय बदलता गया, लोग भी बदले और बदला लोगों के आने जाने का माध्यम। आज हम बड़ी ही आसानी से आधुनिक वाहनों जैसे रेल, जहाज, बस आदि में इधर उधर सफर कर लेते हैं, जिसमें से आम लोगों के लिए रेलगाड़ी के बाद सबसे कॉमन है आज बस। हमारे लिए बहुत ही सस्ता और सुविधाजनक माध्यम है। आज हम ड्राइवर रहित इलेक्ट्रिक बस के बारे में सोच रहे हैं। पर दोस्तों, आज जो बस आप देख रहे हैं, उसका यहाँ तक का सफर इतना भी आसान नहीं था। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो से जानते हैं बस के आविष्कार का पूरा इतिहास। दोस्तों, भले ही हम आसमान को छूने की कोशिश बहुत पहले से कर रहे हैं, पर बस जैसा कुछ बनाने की सोच 19वीं सदी में ही आई थी। महान कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने हवा से चलने वाले किसी वाहन की पेंटिंग बनाई थी, पर वो सिर्फ एक प्रोटोटाइप थी। अगर वास्तविकता की बात करें तो पहली बार 1823 में फ्रांस के रिचर्ड बर्ग शहर में स्टैनिलास बाउड्री नाम के एक मकई मिल के मालिक ने ओमनी बस नाम की एक गाड़ी बनाई, जो कि बहुत सारे लोगों को कैरी कर सकती थी। असल में उन्होंने मिल के साथ साथ नया स्पा बिजनेस भी ओपन किया था, तो लोगों को अपने स्पा की तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने घोड़े से चलने वाली 22 लोगों की एक कार बनाई थी। धीरे धीरे उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ही अपना व्यवसाय बना डाला। फिर 1829 में लंदन शहर में भी ऐसी ही एक हॉर्स वाली कार इंट्रोड्यूस की गई। रिचर्ड्स का मानना है कि बस शब्द ओमनी बस शब्द का एक भाग है, क्योंकि लैटिन में ओमनी का मतलब होता है सब या फिर सारे, और बस भी एक साथ बहुत सारे लोगों को ले जा सकती है। इस सब के बाद पहली बार लंदन में 1830 में सर वॉल्टर हैनकॉक ने भाप से चलने वाले बस इंजन का आविष्कार किया था, और इनका यह आविष्कार बहुत ही लोकप्रिय हुआ, क्योंकि ये घोड़े से तेज था और उसकी यात्रा असहज भी नहीं थी। दोस्तों, फिर 22 अप्रैल 1833 को मैकेनिकल ओमनी बस चलने लगी। इनका टायर बहुत बड़ा बना दिया गया, जिससे यात्रा और आसान हो गई। पर मैकेनिकल ओमनी बस की जर्नी अचानक से 30 साल के लिए रुक गई, जब टर्नपाइक ट्रस्ट के द्वारा अपील के चलते लंदन में लोकोमोटिव एक्ट पास हुई, जिसके लिए 8 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से चलने वाली कोई भी गाड़ी रास्ते पर चलाने की अनुमति नहीं थी, जो कि परोक्ष रूप से हॉर्स कैरेज को ही प्रोत्साहित कर रही थी। दोस्तों, कुछ सालों के बाद बिजली का आविष्कार हुआ और इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस के ऊपर जोरों शोरों से काम शुरू किया गया। और फिर 1882 में इंग्लैंड में सीमेंस ब्रदर्स विलियम और जर्मनी के अर्नेस्ट वर्नर के सहयोग में पहली बार बर्लिन में इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस चलाया गया। इतिहासकारों के मुताबिक आज के समय का ट्रम का कॉन्सेप्ट भी इसी से लिया गया है। उन्होंने बस इसकी टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो टेक्नोलॉजी आज तक ट्रम में इस्तेमाल होती है। पर इस इलेक्ट्रिक ट्रॉली बस को ब्रिटेन के रास्ते में पहुंचने तक 1910 तक का समय लग गया था। और आपको बता दें, ब्रिटेन के लीड और ब्रैडफोर्ड में पहली बार ये ट्रॉली कार चलाई गई थी। दोस्तों, अगर हम आज के आधुनिक बसों की बात करें, तो मोटर से चलने वाली पहली बस को जर्मनी के सिगरलैंड में 1893 में बेंज विक्टोरिया नाम की कंपनी ने बनाया था, पर वो सिर्फ 4 पैसेंजर्स को ही लेके चलने में सक्षम थी। फिर 1898 में लंदन में डबल डेकर बस की शुरुआत की गई, जो कि उस समय बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। और आपको बता दें, डबल डेकर वाली इस बस को जर्मनी की एक कंपनी डेमलर मोटर्स या फिर डीएमजी ने बनाया था। ये बस 20 पैसेंजर्स को कैरी करके 18 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड पर चल सकती थी। इस बस में 10 पैसेंजर नीचे बैठ सकते थे और 10 पैसेंजर सीढ़ी से ऊपर डेक रूफ पे ओपन एयर में बैठ सकते थे। उस समय इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए डीएमजी कंपनी ने इसकी प्रोडक्शन को और बढ़ाने का सोचा, जिसके बाद सन 1902 में ब्रिटिश कंपनी माइल्स के साथ मिलके डीएमजी कंपनी ने और भी आधुनिक डबल डेकर बस बनाई, जो कि 36 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती थी। पहली बार बनाए गए इस डबल डेकर बस का मास प्रोडक्शन किया गया, जिसको फ्रैंक सियरले ने डिजाइन किया था। आपको बता दें कि 1910 तक 300 से ज्यादा बस लंदन की सड़कों पर चलने लगी थी। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के समय सैकड़ों से ज्यादा बस मिलिट्री के काम में ले ली जाने लगी, और इसी समय 1912 में ये बसें ऑस्ट्रेलिया में भी निर्यात की गई, जो कि वहाँ भी बहुत मशहूर हुई। फिर धीरे धीरे इन डबल डेकर बसों का चलन पूरी दुनिया में बहुत तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते 1923 में अमेरिका के शिकागो में जॉन डी हर्ट्ज द्वारा स्थापित येलो कोच निर्माण कंपनी ने डबल डेकर बस अमेरिका में मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। दोस्तों, यहाँ कहने वाली बात यह है कि 1930 में इटली के रोम और टिवोली शहर में ट्रिपल डेकर बस का निर्माण किया गया था। ग्राउंड फ्लोर और दूसरे फ्लोर में ये बस 8-8 यानी टोटल 16 पैसेंजर्स को लेकर चल सकती थी। इस बस का थर्ड फ्लोर सिर्फ स्मोकिंग जोन था, यहाँ सिर्फ स्मोकर्स ही जाते थे। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज प्रिजनर्स ऑफ अज़्काबान में जो ट्रिपल डेकर बस दिखाई गई थी, वो भी इसी से इंस्पायर्ड थी।
दोस्तों आपको बता दें कि 1950 के दशक में लंदन में एक बस का मॉडल बहुत वायरल हो गया था, जो था AEC रूटमास्टर। इसी मॉडल से आज की पूर्ण आकार बस का मॉडल बनाया गया है। रूटमास्टर डिजाइन वाला बस विश्व युद्ध सेकंड के बाद बना था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए विमानों की बॉडी से जो एल्यूमिनियम निकला था, उससे पहली बार लाइट वेट बस का डिजाइन बनाया गया था। ये डिजाइन एक तार जैसा हल्का था, उसी तरह इसमें यात्रियों के लिए आंतरिक स्थान से भी ज्यादा मिलता था। दोस्तों 1970 में बस के अंदर के हिस्से जैसा कि फ्रंट सस्पेंशन, पावर स्टीयरिंग, गियर बॉक्स और पावर हाइड्रोलिक ब्रेक के लिए भी विमान के हल्के और मजबूत एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक ऐसे ही आज का आधुनिक बस भी बनकर आया। दोस्तों दुनिया के अलग अलग देशों में जरूरत के अनुसार बस का डिजाइन चेंज हुआ। रास्ते के अनुसार टायर का डिजाइन, यात्री की क्षमता के लिए आंतरिक स्थान का डिजाइन और फिर यात्री के प्रकार के लिए बस में जरूरी चीजें भी जोड़ी गई। दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी सिंगल डेकर पैसेंजर बस और वोल्वो जैसी बहुत सारी बसेस प्रसिद्ध हैं, पर पर्यटक आकर्षण के लिए अपने एयर डबल डेकर बस अभी भी दुनिया के सारे शहरों में चलाई जाती हैं। दोस्तों अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पहली बार जुलाई 15, 1926 को मुंबई के अफगान चर्च और क्रॉफर्ड मार्केट के बीच में मोटर बस को चलाया गया, जिसका भाड़ा 4 आना या फिर 25 पैसे रखा गया। उस जमाने में 25 पैसे बहुत ज्यादा हुआ करते थे, इसलिए 3-4 रिच लोग हाई मोटर बस को अफोर्ड कर सकते थे। और आज टाटा मोटर, अशोक लेलैंड या फिर महिंद्रा जैसी कंपनी ने अलग अलग जरूरत के लिए बस को डिजाइन करके भारत में बस यात्रा को और भी आसान कर दिया। दोस्तों अगर इसमें से एक का नाम ना लें तो भारत में बस का इतिहास पूरा नहीं होता, और वो बस है वोल्वो। पहली बार 1928 में दिल्ली परिवहन निगम या DTC ने B10LE नाम के वोल्वो मॉडल को पेश किया था, पर किसी कारण से वो चल नहीं पाई। और फिर 2001 में वोल्वो ने अपनी लग्जरी बस मॉडल B7R को लॉन्च किया, जिसने भारत में बस परिवहन का ढांचा ही बदल दिया। पहली बार 2005 में बेंगलोर में B7RLE मॉडल सरकारी रूप से ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की गई। दोस्तों उसके बाद का इतिहास आपको पता ही है। आज शादी हो या किसी भी निजी फंक्शन में या फिर कोई हो सामूहिक यात्रा, बस के महत्व को हम महसूस करते हैं। और हम इंडियंस की एकमात्र फेवरेट चॉइस बस ही होती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, यानी जरूरत ही नया आविष्कार को जन्म देती है। बस का इतिहास भी उससे अलग नहीं है, पर इतिहास में दोनों विश्वयुद्ध ने बस के आविष्कार में उत्प्रेरक का रोल प्ले किया है। विश्वयुद्ध में अपने कॉलोनी देश को शक्तिशाली बनाने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी जैसी सत्तारूढ़ देशों ने भारत जैसे उपनिवेश देश में ये नई तकनीक की बस चालू की थी, जो बाद में जाके आज के आधुनिक बस सेवा का प्रेरक बना। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।